जिंदगी में मौका मिले तो पांच दुर्बा, कितने दुर्बा जम के बोलो जरा, पांच दुर्बा एक बेलपत्र, कभी अगर मौका मिले जीवन में पांच दुर्बा एक बेलपत्र, एक अक्षत एक चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो तीन पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्बा बेलपत्र चावल का एक दाना मध्य पत्ती पर रखकर जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना, कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर एक अक्षत का दाना, एक बेलपत्र पांच दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा है ना, फिर ध्यान देंगे, अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह है, देख रहे हो आप लोग, एलईडियों पर ध्यान देना, एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहां शिवलिंग अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्बा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल एक बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। एक बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, एक बेलपत्र की मूल, एक बेल।